पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एवं रामपुर से पूर्व में रहे भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह ड्रैक ने रामपुर में पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार द्वारा रामपुर क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान सरकार खासकर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि 4 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में पहली बार हुआ है कि चिकित्सकों के 100% पद भरे गए हैं। वर्तमान में सभी 34 चिकित्सक तैनात किए गए हैं, खासकर रेडियोलॉजिस्ट का पद भरे जाने से लोगों को राहत मिली है। प्रेम सिंह ड्रैक ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रामपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रयास हुए हैं। चिकित्सालय में 9 वेंटिलेटर स्थापित किए गए हैं, क्षेत्र में पर्याप्त PPE किट है। उन्होंने SJVN के प्रबंध निदेशक नंदलाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि निगम की ओर से 2 वेंटिलेटर और 10,000 से अधिक मास्क दिए गए हैं। प्रदेश सरकार का खासतौर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री राजीव सैजल जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि खनेरी अस्पताल के इतिहास में पहली बार 100 में से 100 डॉक्टर 100% डॉक्टर की तैनाती की गई है। इसमें हमारे रेडियोलॉजिस्ट की बड़ी डिमांड थी, वो भी पूरी कर दी है। और COVID-19 को की लड़ाई के लिए पूरे इक्विपमेंट, पूरे साधन, पूरी टीमें रामपुर को दी गई है। हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है कि रामपुर को बाकी हिमाचल के बाकी स्थान से अलग समझा जाए। भाजपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में रामपुर से रहे भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह ड्रैक ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जल शक्ति विभाग व लोक निर्माण विभाग में विकास के लिए माकूल बजट दिया गया है। अकेले जल शक्ति विभाग में 200 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, इसमें सिंचाई पेयजल योजना व सीवरेज आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में भी रामपुर क्षेत्र में 62 सड़कें बजट में हैं, जिसमें 7 सड़कें SC सब प्लान की हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ भाजपा नेता जिनमें 3 पंचायत प्रधान समेत 1 जिला परिषद सदस्य भी शामिल रहे। सिंचाई में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में और वाटर सप्लाई स्कीम में और सीवरेज को मिला के कुल लगभग 200 करोड़ का बजट रामपुर डिवीजन में रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इस वर्ष 2020-21 में दिया गया है। और कई सेक्टर में काम बहुत तेजी से हो रहा है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। तीसरा, जो लोक निर्माण विभाग में रामपुर खुशकिस्मत है, रामपुर को इस बार कुल मिलाकर 64 सड़कें दी गई हैं, जिसमें 7 सड़कें जो है शुरू का सब प्लान में है, 55 सड़कें उसमें के जनरल बजट में है और बाकी सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में है। तो रामपुर का पर्सपेक्टिव प्लान है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में बड़ा क्लियर है कि प्रत्येक जो लेफ्ट आउट विलेजेस है उनको जोड़ेंगे और सबका समान विकास करेंगे।